जैन साहब, सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रही हूं और सर ये समझना चाह रही हूं आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं। मामूली घटना लेकिन इतना बड़ा रूप ले लिया कि वहां पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन क्या सर आप मानते हैं कि अगर परसों ही जब इस तरह की तस्वीर सामने आई, अगर वक्त पर एक्शन होता तो शायद जो तस्वीर हमने कल आगजनी हिंसा की देखी वो ना होती? आपका कहना बिल्कुल सही है। हम लोगों ने भी 36-37 साल फील्ड में काम किया है। एक तो इंटेलिजेंस कलेक्शन होता है, एक ये कहा जाता है कि कान जो है वो जमीन से, कान जमीन से लगे रहने चाहिए। आपको जमीनी हकीकत का पता होना चाहिए, चाहे वो थानाध्यक्ष हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे वहां के सिपाही हो, चाहे LIU के बीट के कर्मचारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, क्षेत्राधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी हैं। एक एक हमारा अगर कनेक्ट रहता है पब्लिक के साथ में तो हमें ये सूचनाएं समय से मिल जाती हैं। एक तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसका अभाव रहा। नंबर दो, जो फोर्स साथ में चलता है उनकी ड्यूटी होती है कि वो बॉक्स फॉर्मेशन में चलाएं। फोर्स चारों तरफ रहता है, जुलूस बीच में चलता है और वो आगे पीछे चारों तरफ रहते हैं। इससे क्या है कि कोई उत्पात नहीं करने पाता है। कभी कभी अति उत्साह में लोग बाग जो है वो उत्पात करने लगते हैं कि नारेबाजी शुरू कर दी, कोई और बात कर दी, कोई भड़काऊ बात शुरू कर दी। इसी के लिए फोर्स की व्यवस्था रहनी चाहिए और जो ऐसा करे उसके खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई हो, उसको बता दिया जाए कि ये स्वीकार्य नहीं होगा। एक मुझे लगता है थोड़ा सा इसका अभाव रहा। तीसरा जो है वो ये कि फोर्स, हालांकि देखिए हमारे कई रजिस्टर्स होते हैं थानों में, त्योहार रजिस्टर है, ड्यूटी रजिस्टर्स हैं, हमें सब पता रहता है कि पिछले त्योहार में इस स्थान पर कितना फोर्स लगा था और उतना ही फोर्स लगाया जाता है और डिप्लॉयमेंट किया जाता है। और अगर पिछले त्योहारों में लिखा है कि यहां पर कोई कभी तनाव रहा है तो उसको, उस तनाव को किस प्रकार से कम करना है, गिरफ्तारियां करनी है, 151 की कार्रवाई करनी है, शांति कमेटी की बैठक करनी है, वहां के मौजूद लोगों को वहीं पे लाके खड़ा करना है मौके पे, दोनों पक्षों के बुजुर्ग लोगों को, ये सब लोकल पुलिस करती है। लोकल SHO का, लोकल और ऑफिसर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, उनसे कहते हैं आप यही मौके पे मौजूद रहिए और आप अपना देखिए कि कोई उपद्रव ना करे किसी प्रकार का। ये जो एक नई टेंडेंसी हो गई है कि जो लड़के हैं वो आगे आ जाते हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो घरों में घुस के बैठ जाते हैं, बाद में आ जाते हैं पंचायत करने, वहीं रहना चाहिए। और अगर कोई जरा सा इधर उधर कुछ गलत करता है, ऊंच नीच करता है, फौरन टोक दिया जाना चाहिए। तो सर ये प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर इट्स अ बिग लैप्स, इतना सब कुछ हो गया परसों रात को। मैं एसपी के अलावा कोई अधिकारी मौके पर नहीं था, इतना कुछ हो गया सर। हाँ, एक बात और निकल कर आ रही है कि कुछ लोगों की प्लानिंग के बारे में पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने वहां पर प्लानिंग भी थी गड़बड़ करने की। अगर ऐसा है तो जो भी इस प्रकार के षड्यंत्रकारी हैं उनका पता करना चाहिए कि उन्होंने अगर प्लानिंग कर रखी थी, उनकी छतों की तलाशी होनी चाहिए थी, रूफटॉप ड्यूटी लगती हैं, बॉटल ईंट पत्थर किसी ने इकट्ठे तो नहीं कर रखे हैं छतों के ऊपर, बम वगैरह इकट्ठे तो नहीं कर रखे हैं। अगर ऐसी कोई सूचना है तो फौरन सर्च करनी चाहिए। ये 2-3 स्टेप्स मेरे ख्याल से कमी रही, पर अब वहां पर काबू पा लिया गया है और सख्ती हो रही है। और मेरा ये मानना है कि ये सब तो परसों काबू में आ जाना चाहिए था, बावजूद उसके पोस्टमार्टम के बाद भी 5-6 हजार लोगों की भीड़ सड़कों पर होती है हाथ में लाठी डंडों के साथ। वो इसलिए क्योंकि उनके पास में डेड बॉडी थी। जब एक कोई मार दिया जाता है तो फिर पब्लिक शांत नहीं होती है। अगर मामूली घटना मारपीट की हो तो दोनों पक्षों को अलग कर दिया जाता है। जब कोई मार दिया जाता है और वो बड़ी म्यूटिलेटेड डेड बॉडी उनके हाथ में पहुंची, उससे लोग भड़क गए। और कोई मतलब बात नहीं है, परसों रात के बाद भी सिर्फ SP हमें सड़कों पर दिखते हैं, कल दोपहर बाद DM, ADG वो सब नजर आते हैं सर, कोई इंटरनेट बंद नहीं होता है। जबकि ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले जो त्वरित एक्शन लिया जाता है, धारा 163 लगाई जाती है और फिर इंटरनेट बंद किया जाता है, सबसे पहले तो यही किया जाता है ना, वो भी नहीं किया गया। आपका कहना बिल्कुल सही है। जब हम पोस्टमार्टम किसी भी घटना का करते हैं तो हम हर पहलू पे विचार करते हैं, ये क्यों नहीं किया गया, ये क्यों नहीं किया गया। ये सब बिंदु जो आप कह रही हैं ये उठ रहे हैं।
इसको इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए था, आगे भविष्य में होगा। कई वर्षों के बाद इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में हुई है और मेरा ये मानना है कि जो दंगाई हैं वो प्लान बन गया है और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा इस प्रकार की हिमाकत करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।